तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसका क्रूज़ कंट्रोल। तो बेसिकली ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, अगर मैं इसको दबाऊंगा, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, लाइट ऑन हो जाती है, वाइट लाइट, इफ यू कैन सी हियर। अब मुझे सिर्फ सेट बटन दबाना है, तो मैं अपनी स्पीड सेट कर ली, सपोज 6th गियर पे क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया, 63 है, मैंने सेट दबा दिया और छोड़ दिया, सेट ऑन हो गया। अब मैं बिना हाथ के, बिना एक्सेलरेशन के चल सकता हूँ एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 63। बट देहरादून की रोड है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ही बात है। सो दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल। लेट मी शो यू वंस अगेन, एक मिनट, इसको मैं ओवरटेक करता हूँ। ये ओवरटेक करा, क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, सेट पे कर दिया, 69 पे सेट है। मुझे कुछ नहीं करना, ब्रेक लगाई या क्लच दबाया, ऑफ हो गया, ठीक है। फिर सेट कर दिया, फिर सेट हो गया 62 पे। तो अगर एक्सेलरेशन करता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ या फिर क्लच दबाता हूँ, तो ये ऑफ हो जाता है। अभी ग्रीन लाइट ऑन है 61-62 पे। स्पीड अप डाउन थोड़ी थोड़ी होगी 1-2, एंड इन केस आई वांट टू इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड, वो भी इसमें ऑप्शन है। एक मिनट, फिर से ब्रेक लगानी पड़ गई। अब सपोज मैं जा रहा हूँ स्पीड पे, मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया, ऑन हो गया। अब मुझे स्पीड बढ़ानी है, तो मैं ऊपर प्लस वाला दबाऊँगा, इससे 1.5 की स्पीड बढ़ती है एक बार से। अगर लॉन्ग प्रेस करूँगा, देखो 1-2-3, तो 55, 56, 57। तो आई डोंट नीड टू यूज़ एक्सेलरेशन। अगर खाली रोड आती है, मैं इससे इंक्रीज़ करता हूँ। अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये 5 किलोमीटर्स पर आ की स्पीड बढ़ाएगा। ऐसे ही मैं डाउन भी कर सकता हूँ इससे, देखो इससे डाउन करा, डाउन करा, डाउन हो गई 57, और करी 56, डाउन हो गई। सो दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल, बहुत ही अमेजिंग फीचर है, कई बाइक्स में आता है। इसमें मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, इसी रोड पे यूज़ करता हूँ, जब थोड़ा टायर हो जाता है इंसान, यू नो व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द राइड एंड यू आर टायर्ड, सो दिस कैन बी यूज्ड। एनीवेज नाउ आई एम गोना स्विच ऑफ एंड कैच अप विद माय बडीज।